महादेव, जय श्री कृष्णा। देव उठ जाए, स्कूल नहीं जाना क्या? थप्पड़ भी लगेंगे, तैयार हो ले फटाफट, सेजल रेडी हो चुकी है। देव है जो सोए जा रहे हैं, देखो कैसे लेटे हो अपने पापा के पास, दोनों बापू बेटे लेटे हुए हैं। बहुत दिनों बाद तेज व्लॉग में आए हैं, क्योंकि इनके बेचारे की ए शिफ्ट होती थी मॉर्निंग में, सेवन ए क्लॉक चले जाते थे, रात को 9 PM आते थे, तो इसीलिए बेचारे का नाम सिर्फ। हाँ, और देव है आज पूरी फुल मस्ती में है, ये दोनों आज मेरी छुट्टी है मेरी। और सेजल बेचारी जा रही है, सेजल का मुंह बना हुआ क्योंकि वो बेचारी अकेली जा रही है, रेडी हो रही है। आज टीचर सारी आएंगी और काम रात भर करती रही है बेचारी, स्कूल का काम किया इसने, फिर सोगी और अर्ली मॉर्निंग उठी, हम लोग सो रहे थे, हम अभी उठे हैं। ये उठ के नहा ली, धो ली, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया इस लड़की ने, ठाकुर जी को भी नहला दिया, अब जाके रेडी हो रही है, अब चाय बना दी इसने, चाय पिला दी हमें, चाय पी पू के बैठे हैं हम, इसकी चोटियां बनाऊंगी, चोटियां बना के फिर इसके लिए टिफिन पैक करूंगी। तो गाइस, तो सीधा दीदी जा रही है अभी, तो सीधा दीदी बाय। सो गाइस, तो जैसे कि आपने देखा अभी सीजल दीदी जा चुकी है, तो वैसे ही सीजल दीदी जा चुकी है, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि सीजल दीदी गई है। तो अब हम आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हम देव को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, चाहे खाने में लगा लो या घूमने में लगा लो, मतलब कहीं भी, सुबह से लेके शाम तक का इसका काम क्या है? रोना, ओनली रोना। पढ़ने को बोल दो रोना, खाने को बोल दो रोना, भूख लगी है रोना, सोना हो तो रोना, रोना रोना रोना। वो क्लिप भी हम दिखाएंगे आपको, तो सेम की वीडियो बनाई है पापा ने और देव रो रहा है। अब लगाएंगे हम सिर में तेल, मतलब लगवाएंगे सिर में तेल, मैंने आधे बाल खोल लिए और ना मेरे बाल कर्ली हो जाते हैं जब मैं छोटी करके खोलती हूँ, देखो ऐसे मेरे कार्स हो जाते हैं, तो तेल लगाएंगे इनको और फिर जिस दिन धोएंगे उस दिन ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो लगाते हैं, लगवाते हैं एंड यहाँ पे ना मम्मा ना सूट स्टिच कर रही है, नायरा सूट जो मम्मा ने आपको पहले बताया था। यस, अभी हम ना अपने सिलाई सेंटर में बैठे हैं। सिलाई सेंटर तो क्या कह सकते हैं, मतलब मम्मा इसी रूम में बैठ के ना वो करती है, स्टिचिंग वगैरह करती है, आजकल कर रही है, करती नहीं है। एंड गाइस, मैंने अपनी सारी ब्रीड्स वगैरह जो थी वो खोल ली हूँ मैं, एक साइड की बनी हुई है। एंड मिलते हैं। नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रही है, सूट का नास नहीं है एक्चुअली, क्या है कि ना इसके जो ये चाक पल्ले है ना मुड़ने में दिक्कत कर रहे हैं, मैंने इनको बोला था फिर बनवा लो, ये कहते नहीं हम नायरा कट बनवाएंगे, जो कि मैंने कभी पहले बनाया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ, कर रही हूँ। और जो इनकी मॉडल थी ना, मॉडल भी कह रही है कि मैं पहनूंगी तो नायरा कट ही पहनूंगी, हमारी मॉडल भी ये क्या है, इस मॉडल को भी किसी ने सजेस्ट कर दिया कि नायरा कट अच्छा, किसी ने क्या, तनिष ने सजेस्ट किया, ये निशा भी है, इसने भी सजेस्ट किया, हाँ इन दोनों ने मेरा फोन किया, वरना मैं तो फ्रॉक ही सोचा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना अभी मैं साइकिल में हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा है सब कुछ हो, और ये सीधा दीदी चला रही है साइकिल, थोड़ी बहुत शक्ल दिख गई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हम चला रहे हैं साइकिल पूरे फेंटों में तो नहीं, क्योंकि इससे ना मेरा वजन नहीं ढल जाता, तो इसलिए हम ना आराम आराम से चल रहे हैं। तो हाँ, निकल लें। तो गाइस, अब हम ना दूसरी गली में निकलेंगे, जैसे कि आप आगे देख ही सकते हो बुला रखा है आगे, और बहुत अच्छा व्यू है, स्वाद आ रहा है, इसका शो नहीं करा मैंने फिर करने के भी नहीं, आप तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो एक भी, यार कम से कम 500 तक तो बचा दो आप, इतने तो मांग भी नहीं रहे यार आपसे, सिर्फ 400 सब्सक्राइबर सारे मांग रहे हैं, यार कर दो ना, थोड़ी सी कर दो ना, फिर ऐसी जल्दी का फेस रिवील कर देंगे, फिर जो हमारे 500 सब्सक्राइब 500 पे कर देंगे, नहीं करेंगे वही लगे कि बेकार भी लोग बना रखा है, फिर ये मत सोचना। और सीधा दीदी मुझे छोड़ के भाग चुकी है, और मुझे भागना पड़ गया, मुझे भाग, बल्कि मेरे पैरों में चोट लगी हुई है गाइस, अभी मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मजबूरी तो मजबूरी होती है, देखो गाइस मजबूरी है, मुझे भागना पड़ रहा है इसलिए। तो गाइस, जैसे कि आपको दिखी रही होगी तनिष दीदी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे दिख भी नहीं रहो, ये रही आ रही है, कैमरा बहुत हिल रहा है,
उसके लिए आप ज्यादा मत फोकस करना। तो जैसे कि मैं आपको मोरा सा गीता नीचे दिखाएगी और क्लिप में आएगी, इसलिए आपको दिखी गई। सो गाइस, जैसे कि मैं बोरी जैसा और इसने मुझे धमका दे दिया, ये मुझे छोड़ के भाग चुकी है। गाइस मुझे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। गाइस दूसरी साइड मुड़ चुकी है, इसने धोखा दे दिया। गाइस सो गाइस, यहाँ पे ना पर वो हो रखे कितने गाड़ी में से बहुत गंदी गंदी आवाज जा रही है। सो गाइस, तो थोड़ी देर बाद में भी मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये गलती से मेरे से ऑन हो गया था ये, और कैमरा बहुत ब्लर आ रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरी क्लिप में मिलती हूं। सो गाइस, तो मैं पीछे बैठ चुका हूँ तनिजीरी के। सो अब मैं वीडियो बनाने के लिए आ रखा हूँ, पीछे से एकदम मस्त व्यू आ रहा, फोन ना गिर जाए, बस मैं खुद भी गिरूंगा। तनिजीरी भैया वाली साइड मत लेके जाइए, फोन है मेरे पास क्योंकि। सो गाइस देखो, बहुत सारी गाड़ियां हैं, अब मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि ना हम दूसरी वाली नाली वाली जगह पे जा रहे थे और अब मैं गिरने वाला था। तभी तो देखना, आपने कैमरा नहीं हिला था मेरा, आपने देखा होगा गाइस। तो अभी मैं ना जब बैठ जाऊंगा तब आपको क्लिप में दिखाऊंगा। सो गाइस देखो, साइकिल चल रही है, बीच में थोड़ा सा धुंधला लगा होगा, पता नहीं लगा कि नहीं लगा। तो अब देखो, मेरी बहन भी थक चुकी है और अब मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे बिठाना नहीं चाहती अभी। और देखो व्यू आ रहा है पीछे से, पूरा कैमरे का व्यू ले रहा हूँ। तभी मैं ऐसे नहीं बैठा, मैं सीधा नहीं बैठा, उल्टा बैठा हूँ, तभी जा रहा है व्यू। सो गाइस अभी देख सकते हैं, ये मुझे देख के हंस रहे हैं। तो अब मुझे हंसी आ रही थी पर मैंने कैमरा नहीं बंद करा, जिससे हमारी लाइक अच्छी आए, इसलिए मैंने बंद नहीं करा कैमरा गाइस। तो देखो पीछे गाड़ियाँ फूल रही है अलग अलग टाइप की, तो आपको हम थोड़ी सी अलग क्लिप में मिलेंगे गाइस। तो गाइस, तो जैसे कि हम घूम के आ चुके हैं, तो निशी जी ने बीच में ही साइकिल गिर दी थी, तो बीच में आंटियाँ चल रही थी। सो आपने देखा ही होगा, बीच में आंटियाँ हंस रही थी, मेरी बुआ भी बैठी थी उसमें से एक बीच में। कौन सी तेरी बुआ? वही कौन? नेहा। हाँ जी, वही तो। और ये देखो मम्मा आया बैठी है, आज का पूरा व्लॉग मेरी तरफ से होगा क्योंकि बनाया मैंने। ये मेरे पीछे बड़ी है, इसलिए मैं भी इसको दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेजुबान बहुत लग रही है। आंटी को क्लिप ले, आंटी को क्लिप ले। आप देख चुके हो कि मम्मी और आंटी पीछे बैठ के चला रहे हैं, इस साइकिल की पूरी हवा निकलने वाली है क्योंकि साइकिल वो नहीं 80-80 वजन नहीं सह सकती है। देखो तभी चल रही है साइकिल, देखो वजन सहते हुए। चलो आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं भाग के बनाऊंगा गाइस। तो ठीक है, भाग के बनाते हैं, दिख तो गई आई होगा आपको। सो गाइस, आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी बीच में, और ये बीच में रुक चुके हैं अभी, पता नहीं रुके हैं कि नहीं रुके हैं, और अब ये रुक चुके हैं गाइस। तो ये साइकिल मैं ही चला सकता हूँ सिर्फ, और कोई चला भी नहीं सकता, तो सिर्फ मेरा नाम ही लिखा हुआ साइकिल में। क्या पता आपको बीच में दिखाना हो कुछ भी, उसके लिए गुस्सा मत होना, ठीक है। तो गाइस, तो आपको हम थोड़ी देर बाद में अलग क्लिप में। तो अभी हम साइकिल चला रहे हैं, मैं उल्टा बैठा हूँ पीछे, जिससे मेरी अच्छी क्लिप आ पाए। पीछे आप देख पा रहे हो तनिजीरी चला रही है साइकिल, क्या पता आप देख ना पा रहे हो, ये तनिजीरी है देखो पीछे जो दिख रही है आपको लड़की, ठीक है। तो अब आपको हम ना बैकग्राउंड मतलब क्या कहते हैं मेरे फेस के आगे का वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना दीदियाँ दिख गई मुझे, और मुझे शर्म आ चुकी है। सो एक आंटी भी थी, थूक नहीं कर जाता मेरा ना, इट्स कॉमन, आप इसमें वो मत लेना इसको ना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ गाइस। तो आपको हम ना पीछे का दिखाता हूँ मैं व्यू। सो गाइस, तो मैं आपको पीछे का दिखाने वाला था पर इसने इतने में साइकिल ही रोक दी, ठीक है। तो अब मुझे उतरना पड़ा, पूरे दिन से यही साइकिल चला रहे हैं, अब मैं चला नहीं पा रहा, तो इसके हाथ में फोन आने वाला है। तो देर साइकिल चलाते हुए एंड मैं व्लॉग बनाते हुए, तो मैं देव को साइकिल चलाने दो, चलो अंदर चलते हैं, गेट बंद कर देते हैं जिससे देव घर के अंदर ना आ पाए। गेट को लॉक नहीं, ये तो खोल लेगा, हम इस लॉक को भी लॉक एंड देख सकते हैं लोग भी बच गए हैं, एंड एक और सेफ्टी के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ का भी लॉक है। सो चलते हैं एंड
ब्लॉक लुक करके अब सॉरी खोल दिया दरवाजा एंड देन आ चुकी हूँ किचन में पता नहीं क्यों एंड मैं आपको अपने राधा कृष्ण से मिलवाती हूँ दोनों से देखो कितने क्यूट लग रहे हैं एंड चलो अंदर चलते हैं एंड अब थक चुकी तो बैठ जाती हूँ सो गाइस इस व्लॉग को देखते रहिए एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद को तो भी पूजा भी करनी है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में तब तक टेक केयर बाय बाय जद्दोजहद करने के बाद पूजा का जो माई मॉडल का सूट था वो तैयार हो चुका है नायरा कट जैसे कि आप देख सकते हैं कभी चाक छोटे कभी बड़े हो रहे थे अभी पहन के ये वाला शिवरात्रि वाले दिन पहन के आपको पूरा लुक दिखाएगी क्योंकि शिवरात्रि के लिए स्टिच हुआ है सूट रेडी हुआ है सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को नई है जो सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद हर हर महादेव बदतमीज हो रहा मैं बस क्या ही बोलूं देखियो क्या आप किस चीज में आग लगा रहा है मैं कहती हूं ना मैं हम पूजा के लिए लाते हैं दूसरे दिन माचिस खत्म हो जाती है मैं पूछी सजल को अभी तो मैं पैकेट लाई थी 10 रुपए का कहां गया वो यही करता है वो शक्ल देख ले कैसी सुथरी बना रखी देख जीभ निकाल के भूंडड़ा सा ये देख लो वेस्टेज है